आज मैं आपको मिलाऊंगा सामना डीलर से। और भाई आज के जो डीलर है ना, उन्होंने शानदार ऑफर निकाला है कि अगर आप किराया जा रहे हो ना तो भाई मकान मालिक बना के छोड़ेंगे आपको हमारे डीलर। अब आप पूछेंगे कैसे, चलिए ये बताते हैं ऐसे। भाई आज के डीलर ने बोला है भैया मात्र प्लॉट का 20% पैसा पे करना है और बाकी का 80% पैसा देना किस्तों में। और भाई पहले 20% पैसा दे के अपने प्लॉट की कराओ आप रजिस्ट्री, उसके बाद मालिक बन जाएंगे आप असली मालिक, प्लॉट के असली मालिक, उसके बाद बाकी का जो 80% पैसा है वो आपको देना किस्तों में। जैसे ये घर बन रहा है ना भैया, वैसे ही अगर आप घर लेना चाहते हैं 20 गज का, 25 गज का, 50 गज का, 100 गज का, तो वैसे ही आपको घर मिलेगा मात्र 2 महीने के अंदर रेडी करके देंगे हमारे डीलर, जो कि किस्तों में मिलेगा बिल्कुल इसी तरह का मकान का। और जैसा मकान बनाना चाहते हैं वैसा मकान बना के देंगे हमारे डीलर आपको। तो मेरे प्यारे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को भेज दो हर किराएदार को, इस वीडियो को भेज दो अपने हर रिलेटिव को, ताकि कोई भी रिलेटिव, कोई भी किराएदार भाई आज की वीडियो में मकान मालिक बिना रह ना पाए। तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप शेयर करोगे तो आपके योगदान से कोई ना कोई किराएदार भाई, कोई ना कोई आपका रिलेटिव किराएदार से मकान मालिक बन सकता है। और आज के हमारे शानदार डीलर ने निकाला ऑफर, भैया नए साल पे आपको मिलेगा रजिस्ट्री फ्री। और इसी प्रकार अगर आप बना हुआ घर लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको मात्र पहले बनाने के खर्चे का जो पैसा है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितना भी पैसा होता है उसका 30% पैसा पहले आपको पे करना है और बाकी का 70% पैसा आपको देना है किस्तों में। यानी कि प्लॉट भी मिलेगा और बना हुआ घर भी मिलेगा, वो भी किस्तों में। जैसे मैंने पिछली बार किसी वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो से हटके ये सड़ होने वाली है भाई। ये सड़ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि है भाई बिल्कुल पास में मेन हाईवे के टच में। तो यहाँ यूपी के अंदर सड़ होने वाली है, जहाँ पे काम चल रहा है देख लीजिए इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सभी प्लॉटिंग अभी किस्तों में दी जा रही है आप लोगों को। तो चलिए भाई शानदार वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं आज के डीलर से जो आपको देंगे सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब, एक बार लेके आ गया नई सड़, शानदार सड़ जहाँ पे प्लॉट के पास में आपको दिलाएंगे नौकरी, क्योंकि भाई जहाँ पे आप अगर रहते हो वहाँ पे अगर आपको रहने की व्यवस्था के साथ साथ अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं है तो जिंदगी भर किराया भरते रहोगे, जहाँ रहने से लेके जहाँ नौकरी करने तक। अगर डेली के 50 रुपये ही पे करते हो तो एक साल में 18,000 रुपये देते हो और 5 साल में 90,000 रुपये दे दोगे, तो अंदाजा ला सकते हो आप 90,000 रुपये 5 साल में किराए में खर्च कर देते हो। तो ऐसी जगह रहने से फायदा क्या। तो आज की जो साइट है स्पेशली ऐसी है जहाँ पे आप रहोगे वहीं पर नौकरी करोगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सीधे मिलाता हूँ हमारे साथ भाई से, जिन्होंने ये ऑफर निकाला हुआ है। सब भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, बढ़िया जी, तुम सुनाओ। धन्यवाद सर आपका, शुक्रिया कि आपने मौका दिया हमारे व्यूवर्स को ऐसी सर दिखाने का जहाँ पे रहो और वहीं पर नौकरी मिल जाए। हाँ जी, तो बताइए आपकी कंपनी का नाम क्या है, आज हम क्या दिखाने वाले हैं? मेरी कंपनी का नाम है न्यू साधन मैक्स सिटी, जो आप देख रहे हो ये 300 मीटर की उस पे है। अब जो मीटर का एरिया है, जो ये बाकी बचा हुआ है जो वो मैंने वो काट रखा है, पीछे जो है आपका बसा हुआ है, बसा हुआ है, बसा रखा है। जो खाली एरिया देख रहे हैं ये खाली एरिया, हमारी प्लॉटिंग होने वाली है। ठीक है जी, वो ठीक है ना, आएगा उसमें 200 गज भी है, 30 गज भी है, 25 गज भी है, वो 50 गज भी है, 35 गज भी है, 100 गज भी है, जितने गज का आप लेना चाहो मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, ठीक है ना। और आपने क्या ऑफर निकाला आज की? मैंने ऑफर निकाला है जो बंदा लेगा, प्लॉट लेगा 20% दे के अपना, उस पर लेडीज के नाम रजिस्ट्री फ्री है। अच्छा, ठीक है ना राहुल भाई। और जो बंदा मतलब किस्तों इंस्टॉलमेंट पे लेगा उसकी तो उसे 3 साल का भी टाइम मिल जाएगा, 2 साल का भी टाइम है, 1 साल का भी टाइम है, 6 महीने का टाइम है। ठीक है, मेरे पास 4 साइड है। अच्छा, चारों साइड में अलग अलग रेट है। क्या रेट से स्टार्ट होते हैं? रेट है, मेरे रेट स्टार्ट होते भाई 7,000 से लेकर 15,000 गज तक की जमीन है। ठीक है जी, उसमें और जो बंदा लेके आएगा बंदा उसके अलावा ऑफर है ये कि लेडीज की रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री, आपकी कहने का मतलब है कि भाई अगर आपको साइड पसंद आती है 7,000 रुपए गज से लेके 15,000 रुपए गज के बीच में किसी भी प्राइस की, वहाँ पे उसका जो प्राइस है वो आपको 20% पे करना है। और 20% पे आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, और रजिस्ट्री अगर लेडीज के नाम पर कराओगे तो आपको रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री होगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर मेल के नाम पर रजिस्ट्री कराओगे तो रजिस्ट्री के पैसा आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि 20% पे करने के बाद ये मकान मालिक बन जाएंगे फिर तो? बिल्कुल बन जाएंगे रजिस्ट्री कराने के बाद पक्का। मतलब पहले मकान मालिक बनिए, उसके बाद बाकी का जो 80% पैसा है वो किस्तों में देते रहो, किस्तों में देना। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का टाइम मिल जाएगा, 6 महीने का, 1 साल का, वो किस्तों में देना। किस्तों की कोई ब्याज पेनल्टी वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं, ब्याज नहीं है। ठीक है, आपने वादा किया था, खाकर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई आपा आपके पास तो उसको आप नौकरी लगवा के देंगे? पक्का देंगे, 100 के 100%। कैसे देंगे नौकरी लगवा के? कैसे देंगे नौकरी? ये तुम्हारे सामने फैक्ट्री है, हमारे सामने 500 मीटर पे पीछे फैक्ट्री एरिया जहाँ पे आपको नौकरी की व्यवस्था पूरी मिलेगी। फैक्ट्री ये है, इसमें लकड़ी स्पोर्ट का काम होता है। अच्छा, ठीक है, जैसे फर्नीचर वर्नीचर जिस भाई को काम करना आता हो उसमें, इसमें 100 के 100% लगवाने की तैयार है, गारंटी है। पक्की बात है, पक्की बात है। इसमें सामने 500 मीटर की दूरी पे फैक्ट्री एरिया है। कितनी फैक्ट्री होंगी यहाँ पे? इस पे यहाँ पे भाई 35,000 फैक्ट्री है। 35,000 फैक्ट्री है, अगर 35,000 लोग यहाँ पे आते हैं तो उतने लोगों को भी नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी पक्का भाई, पक्की बात है भाई, आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। तो प्लॉट के साथ में आप नौकरी दोगे? हाँ, गारंटी नौकरी मिलेगी उसी को जो प्लॉट लेगा।
हाँ जी हाँ भाई, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ भाई, ऐसा ना हो कि भैया प्लॉट ले लिया आपने, दिलवाओ, बंदा प्लॉट की किस्त नहीं भर पा रहा है। नहीं भाई, क्योंकि देखो रोजगार दिलवाओगे उनको तभी वो किस्त भरेगा, तभी तो किस्त देगा वो। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ तो भाई, अब बात करते हैं आगे आसपास की सुविधाओं के बारे में, बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। राहुल भाई, ये 25 फीट का रास्ता है ये। अच्छा जी, ठीक है, 2-2 फीट की रास्ते की गली नाली के लिए है। ठीक है जी, ठीक है, 15-18 फीट का रास्ता वो है उधर साइड में, उधर साइड में रोड से पिलाउट से पल्ली तरफ। ठीक है जी, और एक रास्ता ये है। अच्छा, वो 20 फुट का रास्ता है जो है। ठीक है, ये सीधा जा रहा है टोनी का सिटी में, ये वाला रास्ता। ठीक है, ये हमारी साइड है राहुल भाई, और सामने फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया, तो यहाँ पूरी फैक्ट्री मिल जाएंगी आपको रोजगार के लिए, तो यहीं पे लगाओगे नौकरी? हाँ जी, पक्का गारंटी के साथ। राहुल भाई, ये हमारी साइड है। ठीक है, और ये टोनी का सिटी का नया रास्ता निकल रहा है अभी। अच्छा, रास्ता नया आया है और सामने टोनी का सिटी है। ये सामने टोनी का सिटी है। कितना बड़ा एरिया में फैक्ट्री बनेगी, कितनी भी फैक्ट्री है इस एरिया में? सर, इसमें फैक्ट्री है 35,000 फैक्ट्रियां हैं। क्या बात है, रोजगार तो दिलवा के दोगे आप? हाँ जी, पक्का दिलवा के देंगे। चलिए जी। राहुल जी, ये पीछे हमारी साइड है। ठीक है जी, और ये देख लो बिजली का खंभा लगा हुआ है। ठीक है जी, है ना, ये बसावट है, 50 फीट का रास्ता है ये। 50 फीट के रोड के टच में हमारी साइड होने वाली है। राहुल जी, ये मेरा ऑफिस है। ठीक है जी, और ये सरकारी मीटर लगा हुआ है, तो मतलब बिजली की पूरी पूरी व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगी। सामने देखिए ये साइट है, पीछे इधर ये साइट है हमारी, यहाँ बगल में ऑफिस है सर का। जी ठीक है जी, ये ऑफिस होने वाला। देखो राहुल भाई, ये आप देख पा रहे हो कि हमारी बसावट का पूरा रास्ता, मेन रास्ता, मेन रास्ता है ये। ठीक है, और बसावट पूरी मिल रही है, बसावट पूरी मिल रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, पूरा मार्केट से बना हुआ है। अगर आपको कुछ खरीदना है, देखो राशन पानी की दुकान भी आपको मिल जाएगी, देखिए राशन पानी यहाँ से ले सकते हैं, लेफ्ट में दुकान मिल जाएगी आपको। तो बसावट के बीचों बीच में ये सड़क की होने वाली है। राहुल भाई, यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ कि बंदे की कमी है, फैक्ट्री की कमी नहीं है। अच्छा जी, इतने फैक्ट्री वो है यहाँ पे, 50,000 से लेके 1,00,000 तक की नौकरी पा सकता है बंदा। अच्छा, करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, करने वाला होना चाहिए जी। राहुल भाई, ये है 25 फीट का रास्ता है। ठीक है, ये आपका यूपी में आता है? ये यूपी में आता है। और ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, जाओगे तो ये जो पत्थर दिख रहे हैं, ये जाता है दिल्ली में। अच्छा, ठीक है ना, जो आप इधर को जाओगे पीछे को तो सीधा जाएगा ये नानकसर की बत्ती से आ रहा है, सोनिया ब्याह चौहान पट्टी को। ठीक है, और जो आप इधर जाओगे तो आपको पड़ेगा ये बागपत में। ठीक है, ठीक है, ये रोड अभी 25 फीट का है, आप बता रहे हो तो 200 फीट का हो जाएगा। ये 200 फीट का हो जाएगा जिस टाइम पे काम चालू हो रहा है, जिस टाइम पे हो जाएगा। भाई, जमीन इतनी महंगी हो जाएगी, प्लॉट के रेट इतने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, किसी पे लिए नहीं जाने के। तो मतलब अभी सस्ते प्राइस में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बढ़िया मौका है। हाँ, बाकी अगर 1-2 साल में ये रोड बन गया जी, दिल्ली वालों ने 200 फीट का रोड बनेगा पूरा की पूरा, जो जाएगा बागपत के लिए। हाँ जी, तब यहाँ के प्राइस बड़े महंगे हो जाएंगे। हाँ जी, और चलता फिरता रोड है यहाँ पे, और आपको और यहीं से देखे सामने आपका ये टोनी का सिटी, जो मैंने कहा था 500 मीटर की दूरी पर आपको टोनी का सिटी है, और ये हमारा है प्लॉट यहाँ पे। तो बिल्कुल एकदम जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। सामने आप रहिए, नौकरी करिए, और वहां से रास्ता सीधा जाता है, और बगल में 500 मीटर की दूरी पर आप अपनी नौकरी पर जाइए, सुबह शाम आराम से जा सकते हैं। ऑटो किराए की दिक्कत ही नहीं है, कोई जिंदगी भर किराए में भरते रहोगे तो 50 रुपये डेली भी किराए भरते हो तो साल का 18,000 रुपये भरते हो, और 5 साल में आप 90,000 रुपये भर चुके होंगे। अंदाजा लगा लो कि 90,000 रुपये की वैल्यू कितनी है, तो वो किराया आपका फ्री हो जाएगा डेली अगर यहाँ पे पैदल पैदल जॉब पे जाते हो। हाँ जी राहुल भाई, ये डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी। अच्छा, ये लड़कियों का कॉलेज है उरे। अच्छा, और इससे पल्ली साइड में है लड़कों का। ये भाई राजकीय संयुक्त विद्यालय स्कूल है दिल्ली का है। ठीक है जी, ठीक है ना राहुल भाई, दिल्ली के साइड से 500 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी पे ये पेवर दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर आ चुके हैं, ये दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। ये सरकारी डिस्पेंसरी है राहुल भाई। अच्छा, ये वाली। हाँ जी, यहाँ पे किसी को इलाज करना तो यहाँ मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में होगा, बिल्कुल बढ़िया। हमारे पूरे साइड का एरिया है ये, कितना बसा हुआ एरिया देखिए। हाँ जी, तो बसावट के बीचों बीच आपको ये साइड होने वाली है जी। देखिए, चलिए मैं आपको साइड पे ले जाता हूँ। राहुल भाई, हम अपनी सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं, ये दूसरी कॉलोनी है मेरी, यहाँ पर भी पूरी बसावट मिलेगी आपको। ये पंचायत भवन है, सरकारी पंचायत भवन है। ठीक है जी, ठीक है ना भाई, ये दूसरी साइड है मेरी। ठीक है, कितनी बसावट मिलेगी आपको पूरी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और एक साइड वहाँ पे भी है दूसरी वाली, आगे दिखाते हैं, आगे दिखाता हूँ दूसरी वाली भी। तो भाई, अब हम आ चुके हैं तीसरी वाली साइड पर, जहाँ पर देखेंगे मेन हाईवे है, जो कि आपका पास सोने विहार से जाता है। कहाँ पर जाता है भैया हाईवे? ये सोने विहार से बागपत, बागपत के लिए रोड जाता है मेन हाईवे, जो कि ये भविष्य में बन जाएगा 200 फीट का, अभी करंट में 25 फीट का रोड है। और इसी के बगल में टच में ये साइड हमारी है तीसरी वाली, जो हमारे भाई की है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं साइड पूरी भरे भरा बसावट होने वाली है इधर, और ये नया मकान बन रहा है पूरा बढ़िया तरीके से। यहाँ पे हर तरीके का आदमी यहाँ लेना चाहता है, आप जिनका बजट अच्छा है तो उन्होंने अपना मकान देके बनवाया। जिनके ऑनर मेरे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? नाम मेरा फिरोजदीन। कितने गज में बनवाया आपने मकान? 300-350 गज में। और कितने पैसे देके बनवाया आपने? ये जमीन पहले ले रखी थी। कितने टाइम पहले ये ले रखी थी? 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले। तो आपने कितने पैसे दिए? अभी तो पहले दिए थे, अब तो कोई दिए नहीं, अब तो मकान में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले जमीन कितने की ली थी आपने? पहले ली थी कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 लाख रुपए की ली हुई। और अभी?
अभी इसमें पैसे लगा दिए कम से कम 10-15 लाख रुपए। तो आपका अपना हो गया। तो ये बात करिए, मेन रोड के टच में अगर आपका बन रहा है मकान, तो ये जो रोड अभी 200 फीट का बन जाएगा। जी जी जी। तब यहाँ के प्राइस कितने हो जाएंगे, ज्यादा बढ़ेंगे? ये ज्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई गरीब आदमी यहाँ पे आना चाहता है, तो आपके माध्यम से आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये मान ले विकास होगा एक तो, फिर रोड ये जल्दी में डबल भी होने वाला है। ठीक है। टोनिका सिटी के नजदीक है, टोनिका सिटी का बड़ा नाम है इधर। हाँ, टोनिका जानना चाहूंगा, टोनिका सिटी का नाम क्यों है इधर ज्यादा? फैक्ट्री एरिया है, रोजगार की कमी नहीं है? रोजगार है मान ले, इसलिए है, गरीब आदमी के लिए रोजगार है। तो यहाँ पर अगर आता गरीब आदमी तो रोजगार भी मिल जाएगा? हाँ, रोजगार भी मिल जाएगा। पिलोट अपने ये भाई साहब भी दे रहे हैं अपने। कैसा नेचर है इनका? बढ़िया नेचर है। आप तो इनके पिताजी की तरफ से जानते हैं? हाँ हाँ, जानते हैं, मान ले हमारे भाई है। अच्छा। मान ले कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गरीब आदमी को ज्यादा देते हैं मान ले, थोड़े थोड़े करके किस्तों में, 5,000-6,000 जो भी किस्त बने मान ले, टाइम पे 2-4 साल टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली ब्याज पेनल्टी लगाते हैं? नहीं, कोई ब्याज पेनल्टी कोई नहीं। अच्छा, जैसे कि जैसे एरिया जो बना हुआ है, तो यहाँ पे कौन से मजहब के लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ? तो सब धर्म के आदमी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई ऐसा धर्म कोई उनका, सबका एक ही धर्म है, गरीब आदमी। बस बस, गरीब आदमी यहाँ पे आता है, अपना प्लॉट लेता है और अपने आराम से किस्त भरता रहता है, अपना अपना मकान मालिक बन जाता है, कोई भी ऐसा वो भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, आराम से। राहुल जी, ये देखो खंबे लगे हैं, बिजली की पूरी व्यवस्था है, हर चीज की वो है। और पानी वगैरह? पानी वगैरह मीठा पानी है, समरसेबिल लगा पानी, समरसेबिल लगा के मीठा होता है। समरसेबिल जो बंदा लगवाना चाहे वो भी मैं किस्तों में लगवा दूंगा। पक्की बात है ना? पक्की बात है। सर ये सामने बना हुआ क्या हुआ? फार्म हाउस है। अच्छा, बारात घर है ये? बारात घर है। हाँ जी, इसमें सिंपल है, सिंपल भी है, और वैसा मतलब जैसे किसी जो कॉलोनी में रहेगा उस बंदे की बुकिंग भी हो सकती है, मैरिज होम की तरह, मैरिज होम की टाइप शादी भी हो जाते हैं। हाँ जी। और इसी, ये आपकी साइड के अंदर ही आता है? ये मेरी साइड के अंदर ही है। और इसी साइड पे देखिए मेन रोड है ये, और ये हमारी यहाँ साइड पे काम चल रहा है, जो प्लॉटिंग हो रही है, 35 गज का प्लॉट है, और ये कोठी बन रही है बगल में साइड में मेन रोड पे ही। ये किस्तों में बनाई है? ये सब किस्तों में बन रहा है भैया, बहुत बढ़िया सुनहरा मौका, बिल्कुल चारों तरफ देखोगे आप तो चारों तरफ आपको प्लॉटिंग मिलेगी, और नया एरिया है और हाईवे के जस्ट टच में देखिए। तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मकान देखो कितने गज में बना हुआ है? ये राहुल भाई 33 गज का बना हुआ है। अच्छा। ये हमारे पास किराएदार रह रहा था, वो बेचारा रिक्शा चलाता है। अच्छा अच्छा। उसने मात्र 3,000 रुपए दे के अपना बुकिंग करवा ली है। 3,000 में बुकिंग कर दिया भाई, क्या बात है। और उसकी किस्तें वगैरह कैसे जा रही हैं? उसकी भी 3,000 रुपये महीना देता रहता है, 2,000 रुपये देता रहता है, और 5,000 रुपये देता रहता है, जितना बेचारे का बजट होता है इतने दे सकता है। ठीक है। तो आपने रिक्शे वाले का मकान बना दिया जी, तो ये मकान कब तक रेडी हो जाएगा? ये 2 महीने में हो जाएगा रेडी। तो उसने कुछ पैसे तो जमा करे होंगे बनाने के लिए? बनाने के लिए उसमें जमा करे हैं सर। कितने पैसे? 50,000 रुपये तो वैसे दिए थे उसने। अच्छा, मकान बनवाने के लिए। ठीक है। और 20% वैसे दिए थे जमीन के दिए थे। हाँ। बाकी किस्त वगैरह चल रही है? वगैरह चल रही है। उसमें ईंट भी मैं किस्तों पे देता हूँ, रेत भी, डस्ट भी, और सीमेंट भी, और मिस्त्री भी किस्तों पे मिलते हैं। ये भाई साहब भी किस्तों में चल रहे हैं? हाँ जी। तो जो भी इनका खर्चा पानी आप देते हो? हाँ देते। जो पैसा होता है वो किस्तों में दे देते हैं? हाँ जी हाँ जी। मतलब आपको 3,000 रुपए बुकिंग कर दी आपने भाई जी की जी, और फिर जो है 3,000 रुपए की किस्त बना दी आपने। अब वो चाहे 2,000 भरे, 3 भरे, 4 भरे, 5 भरे, उनकी मर्जी है। तो जो खपी के बच्चा वो भरते रहते हैं। तो ये मकान कब तक रेडी हो जाएगा? ये 2 महीने में हो जाएगा राहुल जी। तो रिक्शे वाले भैया से मुझे मिलवाना है 2 महीने बाद। ठीक है ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि भैया रेडी हो जाएगा 2 महीने में मकान, और वो मकान मालिक बन जाएंगे ये रिक्शे वाले भैया। तो भाई यहाँ पर रहना शुरू करेंगे, तब उनसे मैं आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। तो साहब भाई, जैसे आप किस्तों में प्लॉट दे रहे हैं 20% बुकिंग करके, और उससे रजिस्ट्री दे देते हैं, बाकी पैसा किस्तों में चलता रहता है। तो कोई अगर मकान बना हुआ लेना चाहता है तो उसमें कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? देखो राहुल भाई, मकान हम उसमें 30% तो लेते हैं, 20% तो लेते हैं बुकिंग में, प्लॉट की बुकिंग पे, फुल प्लॉट की बुकिंग पे, और 30% लेते हैं मकान बनाने के उस पे। अच्छा, बनाने के पे। हाँ जी। मतलब बनाने का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए का आ रहा है जी, तो उसमें 30% आप जमा कर रहा हो पहले पैसा। हाँ जी। 2 लाख का 30% आपका होगा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए जमा करने पे मकान बनवा के दे दोगे? हाँ पक्का बना। कितने महीने में? 2 महीने में। पक्की बात है ना? पक्की बात है। मतलब कि भाई प्लॉट भी किस्तों में मिलेगा, मकान भी किस्तों में मिलेगा, और जो कारीगर का, जैसे जो कारीगर काम कर रहे हैं, इनका पैसा वगैरह ये किस्तों में जाता है? ये सब आप दोगे? हाँ जी हम देंगे। और इनका जो खर्चा पानी जो होगा वो किस्तों में? आप किस्तों में करता हूँ। तो कोई किस्तों की ब्याज पेनल्टी वगैरह है? नहीं कुछ नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है भाई। तो किस्तों में आपको प्लॉट मकान दोनों मिलने वाले हैं यहाँ पे। किस्तों में प्लॉट मिलेगा, किस्तों में मकान मिलेगा। सबसे सुनहरा मौका भाई गरीब लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हर वीडियो में बोलता हूँ, किराएदार से मकान मालिक बना के छोड़ूंगा। तो भाई आज की वीडियो में हमारे साथ भाई ने निकाला ऑफर कि भाई प्लॉट भी किस्तों में मिलेंगे, और आपको प्लॉट के साथ में बना हुआ मकान भी आपको किस्तों में देंगे, मात्र आपको
20% पैसा देना है प्लॉट के लिए, 30% देना है आपको पैसा घर बनाने के लिए, और बाकी का पैसा चलेगा किस्तों के अंदर, वो 2 साल में 3 साल में आप चुका दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो इस समय रोड का जो साइज है वो 25 फुट का आसपास का है, और बाद में हो जाएगा 200 फीट का। हाँ जी, 200 फीट का। ठीक है जी, देखो ट्रैक्टर से माल उतर रहा है, यहाँ पर रोड बन रहा है, तो बहुत रोड के टच में साइड होने वाली है। तो सर यहाँ पे लास्ट में वीडियो का समाप्त करते हुए क्या कहना चाहते हैं आप? जी राहुल जी, जो जो जैसे कोई बंदा वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, आपके जो वीडियो देख रहा है उसमें जो भी आ सकता है, हम 20% पे तो आपको रजिस्टर कर रहे हैं, अपलोड दे देंगे, और जो कोई 30% देना चाहता है हम बना के भी दे सकते हैं। तो मतलब 20% पैसा जमा करके आप पहले रजिस्ट्री कराओ, प्लॉट के मालिक बनो, उसके बाद बाकी के पैसा पे करना है। अगर आप चाहते हैं प्लॉट खरीदने के बाद या प्लॉट खरीदते टाइम रियल टाइम में बना हुआ मकान चाहते हैं, तो आपको उसका जो बनाने का खर्चा होगा उसका 30% आपको जमा करना है, और बाकी का जो 70% पैसा वो आपको किस्तों में देना है। यानी किस्तों में आपको प्लॉट मिल रहा है, किस्तों में आपको बना हुआ मकान मिल रहा है, दोनों चीज़ आपको किस्तों में मिलेंगी। अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो कहाँ पे आ सकते हैं? तो ये दो यहाँ पे बस स्टैंड है, 258 बस आती है चौहान पट्टी, सोने विहार चौहान पट्टी को, कश्मीरी गेट से आती है। ठीक है ठीक है, बस का नंबर है 258 बस है। ठीक है, शिव विहार मेट्रो स्टेशन पे भी आ सकते हैं और पूजा चौक पे भी आ सकते हैं। ठीक है ठीक है ना भाई, बाकी आपका नंबर इस पे कॉल कर सकते हो। आप कॉल करेंगे तो आपको साहब भाई सारी जानकारी देंगे इस प्लॉट के बारे में, आप कैसे आपको आना है, क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। तो भाई जल्दी कीजिए, अभी वक्त आपके पास है, हैंड टू हैंड कॉल कीजिए, पूछिए कि भैया मेरे पास ये 3,000 पड़े हैं, 5,000 पड़े जेब के अंदर, मैं कैसे मकान मालिक बनूंगा। तो साथ भी आपका मकान मालिक बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को हर किरायेदार को शेयर करो, ताकि किरायेदार को वीडियो शेयर करोगे तो किसी कोई ना कोई किरायेदार आपके शेयर करने से, आपके योगदान से मकान मालिक बन सकता है, आपके पास सहयोग होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।